श्री राम सब किसान भाइयों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BWM Today भाव पर। आशा है आप सब सुख मंगल होंगे, परिवार सब आनंद मंगल होगा। आज दिनांक 14 जनवरी 2024 वार रविवार, आप लोगों के लिए साप्ताहिक समीक्षा तैयार करने के लिए आए हुए हैं। आज मैं आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे, वैश्विक बाजार में क्या स्थिति क्या नहीं है, सोयाबीन में तेजी है मंदी आ सकती कि नहीं आ सकती है, तेजी आए तो कितने की आएगी और मंदी आए तो कितने की, क्या बाजार स्थिर रहने वाले हैं, इसका पूरा पूरा हमने एनालाइज किया पूरे मार्केटों को। बहुत सारे यूट्यूब चैनल, बहुत सारे सरकारी वेबसाइट, उन सबको हमने पढ़ा है, रीड किया है। उसके बाद में आप लोगों के एक साप्ताहिक रिपोर्ट हमने तैयार की है जो आपको थोड़ी देर में हम देने वाले हैं। रिपोर्ट देने से पहले आपसे निवेदन ये है कि जो हम जो आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे निजी विचार है और हमारा मार्केट एनालाइज किया हुआ विचार है। आप अपना व्यापार, अपने मालिक खरीद फरोख अपने अपने विवेक से करें, इसका आप ऐसा ना सोचें कि भाई आप हमारे विवेक से काम कर रहे हैं, हम तो हमारा कर्म कर रहे हैं आपको जानकारी देने का। बाकी आप अपना जो भी व्यापार करना है, जो भी माल बेचना जो भी है, वो अपने विवेक से करें, हम तो आपको एक दिशा दिखा सकते हैं, बाकी सब आपकी इच्छा है। साथ में मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामना आपको, सभी त्यौहार को आराम से मनाएं और उत्साह के साथ मनाएं। तो किसान भाइयों, आते हैं मुद्दे की बात पे। स्थिति हमको देखने को मिली है सोमवार से लेकर शनिवार तक में, स्थितियाँ कुछ इस प्रकार की रही है मंडियों के अंदर में कि स्टार्टिंग में प्लांटों ने जो भाव थे वो 48 से स्टार्ट किए थे, 48 से होते हुए 48.50 से 49.50 और 49.50 के बाद में फिर 48.50 वापस, मतलब कहीं ना कहीं 150 रुपये ऊपर नीचे हुए हैं पूरे सप्ताह के अंदर में। और 100 बात की एक बात निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं एक तेजी का रुख बना था लेकिन फिर वापस से बाजार नरम हुए शनिवार के दिन में। और सभी जगह लगभग सभी जगह पर, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, सभी जितने भी प्लांट हैं सभी प्लांटों में बाजार कहीं ना कहीं कम हुए हैं, तो कोई ना कोई कारण तो रहा होगा। अब बात करते हैं ब्राज़ील की, सोयाबीन में आपको तेजी आएगी कि नहीं आएगी इसकी पूरी पूरी आपको जानकारी देने के लिए। तो सोयाबीन में ऐसा विषय हो चुका है कि ब्राज़ील के अंदर में पहले जो रिपोर्ट उन्होंने दी थी दिसंबर में, जो उनकी जो रिपोर्ट आई थी दिसंबर नवंबर में, जो उनकी जो रिपोर्ट आई थी उसके उसमें जो उन्होंने बड़ा चढ़ा के जो उनकी रिपोर्ट दी थी उसमें उनका रकबा, उनके यहाँ कितनी पैदावार होने वाली है और कितना निर्यात करेंगे, इसका तीनों का उन्होंने डाटा दिया था। उनके वहाँ पर एक नेशनल एजेंसी है कोनाप करके, कोनाप नाम है उनकी एजेंसी का, वो पूरे पूरे देश का सर्वे करती है कि कितना माल अपने देश के अंदर है, कितना उत्पादन है, क्या क्या आवश्यकता है, क्या नहीं है, वो पूरी पूरी जानकारी देती है। उसको उसका वो डाटा हमने भी देखा है। तो पिछली बार से अभी में जो जनवरी में जो रिपोर्ट आई है उसमें कहीं ना कहीं घटत देखने को मिली है, इसलिए हमारे भारतीय बाजारों में 100-150 रुपये के जो बाजार ठीक हुए थे उसमें कहने का कारण वही था कि वो रिपोर्ट आने के बाद में जितने भी हमारे यहाँ के भारतीय जो बाजार थे उनमें कहीं ना कहीं फर्क देखने को मिला। साथ में पाम ऑयल में भी अच्छी तेजी देखने को मिली थी उसी कारण से। तो उसमें स्थिति ऐसी थी दोस्तों कि उसमें केवल फसलों की पैदावार ही नहीं घटाई, साथ में उसका रकबा, रकबा का मतलब ये हुआ कि पहले में जो किसानों ने जो फसल बो दी है वो अगर नहीं उगी तो उसके बाद उनको दोबारा किसान ओढ़ना भी नहीं चाह रहा है, वो किसी और मौसम के अनुकूल दूसरी फसल के ऊपर जा रहा है। तो ऐसा भी रकबा भी कम हो रहा है, जहाँ जितना रकबा जितना क्षेत्र पहले था सोयाबीन का उससे कम हुआ क्षेत्र, बहुत सारी जगह जहाँ पे सोयाबीन नहीं हुई है या फिर फसल सूख चुकी है, मर चुकी है या ना उगी नहीं है, तो वहाँ पे लोगों ने सोयाबीन को दोबारा बोना पसंद नहीं किया, इसलिए उसका क्षेत्र भी कम हुआ है, साथ में पैदावार भी कम बताइए क्यों। वहाँ पर बहुत सारी जगह पर ऐसी स्थितियाँ बन चुकी है कि वहाँ पर बारिश लगातार हो ही नहीं रही है, मौसम काफ़ी उनके प्रतिकूल चल रहा है, अनुकूल नहीं है मौसम वहाँ का अभी के समय में। इसलिए कहीं ना कहीं अगर वहाँ का जो अभी उनकी जो रिपोर्ट आई है अगर वो बनी रहती है वो रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट में अगर और कमी आती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी सोयाबीन के अंदर में, और हो सके तो एक बार ये 5000 या 5500 भी क्रॉस कर जाएगी सोयाबीन, अगर वो जो तेजी जो वहाँ पे जो रिपोर्ट है अगर उसमें और भी घटत आती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। जितना भी अब जो भी मार्केट अब इन्हीं चीज़ों के ऊपर चलने वाला है, वहाँ पे जो सोयाबीन की जो पैदावार है उसी के ऊपर सब कुछ होने वाला है कि वहाँ पे कितनी पैदावार होने वाली है, क्योंकि उसका डायरेक्ट इफेक्ट अपने भारत पे और ऑल ओवर वर्ल्ड पे फर्क पड़ने वाला है, पूरे पूरे भारत विश्व के अंदर जो भी तेल का जो मार्केट है उस पर DOC पे सब पे उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है। वहाँ पर पिछली रिपोर्ट में उन्होंने 162 मिलियन मेट्रिक टन बताया था कि इतनी वहाँ पर उनके यहाँ पे सोयाबीन होने वाली है, 162 मिलियन मेट्रिक टन बताया था। अभी वर्तमान में जो उनकी रिपोर्ट आई है उसके अंदर में उन्होंने 152-153 मिलियन मेट्रिक टन बताया गया, और पिछली बार उनके 151 मिलियन मेट्रिक टन हुआ था, पिछले साल में इतनी पैदावार हुई थी, अभी भी कहीं ना कहीं 0.1% समथिंग उनके यहाँ पे पैदावार ज्यादा है। तो कोई खास तेजी बनने को अभी तेजी बनते हुए दिख तो नहीं रही है, लेकिन अगर भविष्य में किसी प्रकार का ज्यादा बड़ा नुकसान होता है या मान लो कि बारिश नहीं होती है या मौसम उनके प्रतिकूल ही रहता है तो इसका सीधा इफेक्ट हमारे यहाँ के बाजारों पर पड़ने वाला है, सोयाबीन में एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, DOC में, पाम ऑयल सब में कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिल सकती है। तो सीधा सीधा सो बात की एक बात है कि ब्राज़ील में जो भी चल रहा है वहाँ की जो सोयाबीन की पैदावार है उसका इफेक्ट
हमारे मार्केटों पर देखने को मिलेगा। अगर वहाँ अच्छा रहता है तो अपने यहाँ पे मार्केट दब जाएंगे, अगर वहाँ पे फसलों को नुकसान होता है या फसलों में अगर पैदावार कम होती है तो उसका सीधा सीधा फायदा हमारे बाजारों को मिलने वाला, हमारे यहाँ की जो सोयाबीन वगैरह जो भी सरसों वगैरह जितने भी तेलन आइटम है इन सब में तेजी देखने को मिलेगी। और आज की रिपोर्ट में यही बात है, 100 बात की एक बात है साहब, अभी तक में जो स्थिति बन रही है, अभी जो मार्केट खुलेंगे उसमें संभावना है कि 150 रुपये की तेजी के साथ ही मार्केट खुलेंगे। और अगर जो रिपोर्ट उन्होंने बताई है, अगर ऐसा मौसम रहता है और अगली जो रिपोर्ट आएगा उसमें पैदावार कम करते हैं तो कहीं ना कहीं तेजी देखने को मिलेगी। संभावना है कि सोयाबीन फिर से 5,000 के समथिंग एक बार क्रॉस कर जाए, संभावना पूरी बन रही है। लेकिन अगर वहाँ पे अगर मौसम उनका अनुकूल हो जाता है, प्रतिकूल के साथ अनुकूल हो जाए, अभी तो प्रतिकूल चल रहा है लेकिन अनुकूल मौसम हो जाता है तो कहीं ना कहीं तेजी हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों, सोयाबीन बाजार कुछ इस प्रकार से रहने वाले हैं, भविष्य में अगर मौसम वहाँ का सही सटीक रहता है तो उसका कहीं ना कहीं नुकसान हमारे यहाँ रहेगा, अगर मौसम वहाँ पर खराब रहता है उसको कहीं ना कहीं फायदा हमारे यहाँ मिलने वाला है। ठीक है भाइयों, सोयाबीन की रिपोर्ट कुछ इस प्रकार से, आपसे निवेदन है जितना हो सके इस न्यूज़ को फेसबुक पे व्हाट्सएप पे शेयर करें और आपके भाई के चैनल को जितना हो सके प्रेम और आशीर्वाद समर्थन बना के रखें। हम पूरा से पूरा सुधार कर रहे हैं, हम जितनी जानकारी लेके जितना काम कर सकते हैं आपके लिए कर रहे हैं। आपसे निवेदन ये है कि आप लोग भी हमारा मनोबल बढ़ाएं, पूरे मन से हमारे लिए काम करें। जय श्री राम।